हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फ़ाइनली जनाब हाजिर हूँ इतने लंबे गैप के बाद, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना पूछने के लिए। अच्छा मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स से ये भी पूछ रही थी आपने यूट्यूब छोड़ दिया। नहीं जनाब, यूट्यूब छोड़ने के लिए थोड़ी ज्वाइन किया था, तो बस थोड़े से दिन का गैप लिया था। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वक्तन फवक्तन अब व्लॉग्स अपलोड कर दिया करूँ। तो बस ये था जी सुबह सुबह का टाइम, और हस्बैंड बच्चों को छोड़ने के लिए गए हैं स्कूल, और फिर मैंने कहा चलें अभी हेल्पर भी नहीं आई हैं, जो मैस क्रिएट करना है मैं उनके आने से पहले ही कर लेती हूँ। बस जी फिर मैं लग गई थी अपने काम पे, और मैंने यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा जो पहले घास थी वो निकाली, फिर सब पौधों की गुड़ाई की, इनको दो दो तीन तीन दाने फर्टिलाइज़र के दिए, और बाकी जो मेरे पास ना मनी प्लांट पड़ा हुआ था अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही डिलीवर करवाए थे ना, मतलब छोटे छोटे पॉट्स के अंदर मनी प्लांट थे, उनको भी अभी मैंने गमलों के अंदर नहीं डाला था, तो बस दो तीन वो मैंने ट्रांसफ़र किए गमलों के अंदर, बल्कि दो तीन बच भी गए हैं। और बाकी अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, मतलब पेंट वगैरह करना था मुझे, और बस काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच रखा था मैंने इसके लिए, थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह चेंज करूँगी। तो बस यही है कि छोटे बच्चों के साथ और फिर तबीयत की दरमियान में ख़राबी, तो बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला बस सेहत तंदुरुस्ती दें, काम तो होते ही रहते हैं। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी इतने सारे कबूतर यहाँ पे उड़ रहे थे, और ऐसे पूरी ना टोलियाँ बना बना के कुछ इधर चले जाते थे कुछ उधर चले जाते थे। अच्छा जी मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं अपनी बेल की ना ट्रिमिंग करवा देती, क्योंकि इस मौसम में ना सब लोग ही अपने पौधों वगैरह की दरख्तों वगैरह की ट्रिमिंग करवा देते हैं, क्योंकि मौसम ख़िज़ां जब आता है ना पत्ते झड़ते हैं, तो आई थिंक सो सब लोग ही कटवा देते हैं दरख्त वगैरह। तो मैंने कहा मैं इसकी भी ट्रिमिंग करवा देती हूँ, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर देखा कि इतना ज़्यादा बुर लगा हुआ है और अभी इसके ऊपर फूल खिलेंगे, तो बस फिर मेरा दिल ही नहीं किया। फिर मैंने मक्की को भी दिखाया, मक्की कहते अभी ना इसको कटवाना, बाकी ये जो नार का पौधा लगा हुआ है ना इसका मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन तक ना इसकी खुदी ट्रिमिंग कर देती हूँ, इसके ना काफ़ी पत्ते मुरझाए हुए हैं। बाकी ये जो फूल लगे हुए हैं ना बेलों के ऊपर ये बड़े प्यारे लगते हैं, इनको तो मेरा छेड़ने को दिल ही नहीं करता, लेकिन जब ख़िज़ां का मौसम आएगा ना और पत्ते झड़ेंगे सहन में काफ़ी मैस हुआ करेगा, फिर वो बुरा लगता है। और बस जी फिर मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, और ये मतलब काफ़ी देर बाद की क्लिप है, मैंने कहा चले छोटे छोटे क्लिप बना के ना एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। सब लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि आपने तो यूट्यूब को छोड़ ही दिया, आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हैं? तो बस पता नहीं क्या बात थी, मेरा दिल ही नहीं करता था, तो बस थोड़े दिन के गैप के बाद ना अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर किया करूँगी, मतलब रेगुलर नहीं भी तो हफ्ते में एक दो वीडियोस तो इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि अपलोड कर दिया करूँ। बाकी क्रॉप तो इसका बिल्कुल ही डाउन हो गया होगा, क्योंकि जितने दिन से मैंने यूट्यूब छोड़ी हुई थी, तो बस अब इंशाल्लाह हिम्मत पकड़ेंगे और रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अपने हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। कुछ लोगों को ना मतलब दूसरों के हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों के हाथ की अच्छी लगती हैं, लेकिन बिरयानी एक वाहिद चीज़ है जो मुझे अपने हाथ से ही पसंद है, और मक्की को मेरे हाथ की पसंद है। तो बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो, नहीं जी आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा पिछले दिनों काफ़ी हद तक मौसम बेहतर हो गया था सितंबर में, बट अभी फिर अक्टूबर में स्टिल गर्मी है, दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और दो तीन दिन से तो रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी हमारे एसी तक भी बंद नहीं हुए हैं, बल्कि मैं दूसरों के ब्लॉग्स देख रही होती हूँ ना रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पर लाहौर वाली साइड पर, तो वो लोग यही कह रहे थे कि तबीयत ख़राब है और मौसम चेंज हो रहा है, ये है और वो है, लेकिन खैर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी मुल्तान वाले तो मतलब फ़िलहाल तो गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मक्की जब बच्चों को स्कूल से लेकर आते हैं तो सबसे पहली डिमांड उनकी यही होती है कि उनको चाय पीनी है। मैं जितना भी उनको बोलती रहूँ कि खाना बन गया है खाना रेडी है आप पहले खाना खा लें, वो कहते हैं नहीं पहले मैंने चाय पीनी है, उसके बाद फिर एक दो घंटे का रेस्ट लेते हैं फिर उसके बाद जाके वो खाना खाते हैं, अदरवाइज़ उनको दोपहर का खाना खाने की आदत है ही नहीं, फिर वो शाम को जाके खाते हैं।
और अब तो खैर वैसे भी बच्चों का सेकंड टर्म चल रहा है तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि 12:30 बजे तक लीजा लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने नाश्ता भी 10-11 बजे का किया हुआ होता है, तो उनको इतनी जल्दी तो भूख नहीं ना लग सकती दोपहर के खाने की। खैर मुझे लगी हुई थी तो इसीलिए मैंने स्पेशली अपने लिए बिरयानी बनाई थी। खैर जी बिरयानी मैंने दम पे रख दी है और अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, तो मक्की को चाय दे दूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा चलें अभी मैं भी साथ में चाय ही ले लेती हूँ, बल्कि जब वो खाना खाएंगे फिर उनके साथ ही खा लूँगी। बच्चे हमारे खाते ही नहीं हैं बिरयानी। अलीज़ा थोड़े बहुत कभी कभार अगर दिल करे तो थोड़े बहुत खा लेती है चावल, लेकिन उस तरह से नहीं खाती जिस तरह से मतलब मैं समझूँ कि हाँ अगर मैंने चावल बनाए हैं तो हम पूरी फैमिली मिल बैठ के खा लेंगे। अलीज़ा और आयत इस तरह से नहीं खाती, बल्कि अमल थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठ के ना खा लेती है। और यकीन करें मैं इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो एक तो मेरी सांस बार बार फूल रही है, दूसरा मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूँ क्या बात करूँ। तो भाई मेरे से अगर कोई गलती होगी हो मतलब आपको ये वीडियो एवं सी लगे तो उसके लिए माजरत। और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह रूटीन से जब वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आऊँ, हाउस क्लीनिंग की वीडियोज़ लेकर आऊँ, तो अच्छा कॉन्टेंट लेकर आऊँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी। बाकी व्लॉग तो ये सिंपल सा था लेकिन इसको एडिट करने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मेरा क्रॉप भी बिल्कुल डाउन हो गया होगा तो अल्लाह करे बस वो भी थोड़ा ऊपर चला जाए। और बाकी अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। तो बस जी आज की अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी बात बुरी लगी हो या आपको मेरा व्लॉग बोरिंग लगा हो फिर भी उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बस ये हमारी बिरयानी बन गई है। और बस दम खोल दिया था मैंने, मैंने कहा बिल्कुल ये ना हो कि चावलों का ना एक बट्टा ही बन जाए जब तक हम लोग इसको खाएं। खैर बच्चों को फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे और आते ही फिर इनके ना यकीन करें इतने ड्रामे होते हैं ना, इनको कभी किसी बात पे लड़ रही होती हैं बहुत मतलब तंग करते हैं बच्चे घर आके। तो बस यहाँ पर आयत भी नाराज़ होकर बैठी हुई थी बड़ी, मैं उसको फिर मना रही थी। और यहाँ पर जी तकरीबन था अब 3:30 बजे का टाइम, तो मक्की भी आ गए थे फिर एक ऑफिस का चक्कर लगा के। और बस फिर हम दोनों ने बैठ के यहाँ पे चावल खाए, बच्चों को फिर भूख लग गई थी, अभी इन्होंने ट्यूशन भी जाना था, तो बस यहाँ पे फिर मैंने उनको दूध ही दे दिया था कि अब आप दूध पियो और जाओ। ये भी एक टेंशन ही होती है मेरे लिए जिस दिन मैं चावल बना लेती हूँ। तो खैर जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।